नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हमेशा की तरह आज फिर बात करेंगे हमारे गांव के, हमारे किसान की और उनकी बेहतरी की और उससे जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियों की। हमेशा की तरह सबसे पहले बात होगी खेती किसानी की और उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेषज्ञ से जानेंगे सभी बातें विस्तार से। आगे हमारा पशुधन में बात करेंगे देसी गौ पालन की और उनके नस्ल सुधार के बारे में। अंत में कामयाब किसान की दास्तां। शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में। जी हाँ, मानसून के दस्तक देते ही हमारे किसान धान की फसल की तैयारी में लग जाते हैं। वो किसान जो कि धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जानना चाहते हैं, आज खेती किसानी में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वो भी विशेषज्ञ के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप सीधी बिजाई करें धान की और साथ ही साथ कैसे इसकी देखरेख करें। तो आइए देखते हैं खेती किसानी में धान की सीधी बिजाई के बारे में। दो तरीके से हम सीधी बिजाई कर सकते हैं। एक तो जो फसल अवशेष हमारे खेत में बचे रह गए हैं उसमें हम सीधे बिजाई कर सकते हैं, और इसके लिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि फसल अवशेषों को ना जलाएं, हटाकर उनको खेत से साफ करके आप उसमें धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, या इन अवशेषों को आप मिट्टी में मिलाने के बाद आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इससे एक तो आपके मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और दूसरे पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होगा। और जो मुख्य तौर पे धान की सीधी बिजाई है वो आप जुताई करके, जैसे आप मक्का या गेहूं लगाते हैं उसी तरह से बिना गारा बनाए खेत में दो तीन बार इसमें जुताई करके आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही समय पर बिजाई। समय इसका वही होता है जो नर्सरी में बुआई का होता है किसान भाइयों। तो मोटे तौर पर ये समझ लें आप कि 25 मई से लेकर 20 जून के बीच में आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए आप खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी करें, किस्मों का चुनाव करें, सही दूरी पर बुआई करें तो आप धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बुआई के लिए आप सबसे पहले गहरी जुताई करें, इसके बाद दो तीन जुताई आप कल्टीवेटर या हैरो से कर लें और फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। जिन किसान भाइयों ने लेज़र लेवलर से जो खेत है हमारा लेवल नहीं कराया है, इकसार नहीं कराया है, वो इसको करा सकते हैं। जहाँ तक उर्वरकों की बात है, उर्वरकों का प्रयोग आप मिट्टी की जांच के आधार पर करें। अगर इस तरह की जांच आप नहीं करा पाए हैं तो आप उर्वरकों का प्रयोग करें। इसमें आप 150 से 160 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग करें। और ऐसी किस्मों के लिए है ये संस्तुति जो अधिक पैदावार देती हैं या संकर किस्में हैं। इसी प्रकार बासमती किस्मों के लिए उर्वरकों की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें आप 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट प्रति हेक्टर के हिसाब से आप प्रयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश और जिंक की संपूर्ण मात्रा आप बुआई के समय खेत में बखेर दें और इसके बाद हल चलाकर या हैरो से उसको मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला दें और पाटा लगाकर बुआई करें। इसमें खास ध्यान किसान भाइयों ये रखना है आपको कि जो पलेवा है वो बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में आपको पलेवा करना पड़ेगा, तभी आपके धान का अंकुरण अच्छा होगा। जहाँ तक बुआई करनी है वो आप देसी हल से कर सकते हैं या सीड ड्रिल से कर सकते हैं। बुआई की जो दूरी है पंक्ति से पंक्ति की, वो आप 20 से 25 सेंटीमीटर रखें और गहराई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर आपको इसमें रखनी है। किसान भाइयों, सीधी बिजाई से जो धान हम लगाते हैं उसमें मुख्य तौर पर तीन समस्याएं आती हैं। पहली समस्या है खरपतवारों की, दूसरी समस्या है निमेटोड या सूत्रकृमि की और तीसरी समस्या है लोहे की कमी। जहाँ तक खरपतवारों की बात है, जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि रोपाई विधि से जो आपने धान लगाया है उसमें खरपतवार कम आते हैं क्योंकि उसमें लगातार पानी खड़ा रहता है, लेकिन सीधी बिजाई वाले धान में खरपतवार बहुत संख्या और मात्रा में आते हैं। इनसे काफ़ी नुकसान हो जाता है अगर हम इनका नियंत्रण ना करें। अगर आपको भौतिक विधि से आपको इनका नियंत्रण करना है तो आप, या मैकेनिकल विधि से करना है तो इसके लिए आप बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक कस्सी या खुरपी या कोई भी औजार आपके पास है उससे आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, निकाई कर सकते हैं। दूसरी गुड़ाई, निकाई गुड़ाई आप
बुआई के 40 से 45 दिन बाद करें, लेकिन चूंकि श्रमिकों की संख्या कम उपलब्ध है आजकल, काफ़ी महंगी हो गई है मजदूरी, तो उस लिहाज से आप रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप पेंडीमिथालिन नाम का रसायन लें, जिसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर के हिसाब से आप प्रयोग करें, और इसको आप 600 से 800 लीटर पानी में मिला लें, और मिलाने के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका छिड़काव करना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको खेत में मिट्टी में आपकी पर्याप्त नमी होनी चाहिए। दूसरी समस्या निमेटोड या सूत्रकृमि की है। ये सूत्रकृमि धान की जड़ों में गांठें बना लेते हैं, सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और पौधा जो है पीला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसमें कल्ले नहीं बनते। निमेटोड की रोकथाम के लिए आप अपने पौधों को उखाड़ें और देखें उसमें जड़ों में कहीं छोटी छोटी गांठें तो नहीं है सफ़ेद। तो इसके नियंत्रण के लिए आप 25 से 30 किलोग्राम कार्बाफ्यूरान 3G, ध्यान रखें 25 से 30 किलोग्राम कार्बाफ्यूरान 3G का आप बुरकाव अपने खेत में कर दें, और इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तीसरी समस्या इस धान में है लोहे की कमी। किसान भाइयों, इसमें हम पानी खड़ा नहीं रखते, कम पानी रहता है, जिसकी वजह से लोहे की कमी आ जाती है। लोहे की कमी में पत्तियां शुरू में पीली हो जाती हैं, खास करके ऊपर की पत्ती, कुछ समय बाद उनका रंग सफ़ेद हो जाता है, और सफ़ेद होने के बाद ये पत्तियां सूख जाती हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको धान की फसल में शुरू में दिखाई दें या किसी भी अवस्था में दिखाई दें, तो आप आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट जिसे कहते हैं, उसका 0.5% का घोल बनाकर आप छिड़काव करें, तो ये समस्या में आपकी काफ़ी कमी आ जाएगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, धान की फसल में सिंचाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। इसमें भी पानी आपको लगाना पड़ता है, 15-20 पानी तो इसमें भी लगते हैं, लेकिन पानी की मात्रा हर सिंचाई में आप कम रखें और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें। जैसे आपने मान लीजिए जून में बुआई की, अगर बरसात देर से आती है तो आपको 4-5 सिंचाई इस समय पर लगानी पड़ेगी। सिंचाई आप लगातार करते रहें, और इसमें जो बिवाई है, मिट्टी में बिवाई ना बने, यानी मिट्टी आपकी फटे ना, और नमी पर्याप्त मात्रा में हमेशा इसमें बनी रहे। खास करके बाद की अवस्थाएं, जब इसमें जननिक अवस्था शुरू हो जाती है, बालियों का बनना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, उस समय के आसपास पानी की इसमें भी बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपने धान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की, बताएंगे आपको देसी गौ पालन के बारे में और नस्ल सुधार के बारे में। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब समय हुआ है हमारा पशुधन का। हमारा पशुधन में आज हम बताएंगे आपको देसी गौपालन और साथ ही साथ इनके नस्ल सुधार के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से देसी गौपालन का चलन फिर से बढ़ चला है, नस्ल सुधार की जरूरत को भी महसूस किया जा रहा है। उपभोक्ता भी अब अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग है, और ख़ास तौर पर देसी गाय के दूध की मांग भी बाजार में बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे पशुपालक भी इस ओर बड़ी संख्या में आकर्षित हो रहे हैं। जरूरत है सही जानकारी की, तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पहले हम एक गाय से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद दूसरी भी हम गाय लाए। पहले हमारा उद्देश्य केवल दूध था कि हमें देसी गाय का दूध लेना है, लेकिन धीरे धीरे जब इस विषय की ओर हमें विस्तृत जानकारी मिली तो हमें पता लगा कि गाय की भी श्रेणी है। एक गाय है जो 8 लीटर दूध देती है, उसी नस्ल की गाय एक ऐसी भी मिलेगी जो आपको 18 लीटर दूध देती मिलेगी। तो फिर खोज हुई कि भाई वो 18 लीटर की गाय कहाँ है। जब इसके बारे में हमने थोड़ा अनुसंधान किया, रिसर्च किया समाज के अंदर, तो पता लगा कि जब से समाज में, भारतवर्ष के अंदर जर्सी गाय आई है, तब से हमारी जो देसी गाय की प्रजाति है, जो अपनी 18 लीटर दूध देने वाली थी, 20 लीटर दूध देती थी, वो विलुप्त होने लग गई। जानकारी का अभाव हो रहा है किसानों के अंदर, एजुकेशन का अभाव हो रहा कि जो अच्छी प्रजाति और अच्छी नस्ल की गाय हम बना नहीं सके।
उसके कुछ सिद्धांत हैं। मौलिक रूप से सिद्धांत क्या है, एक पहला ही सिद्धांत तो ये कहता है कि आप एक सांड से नंदी जो होता है गौशाला के अंदर, जब वो अपनी ही बेटी को क्रॉस करता है गर्भाधान उससे होता है, तो जो उससे नस्ल पैदा होती है वो खराब होती 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 उसका दूध भी घटता चला जाएगा, और उसके जब परिणाम आएंगे तो एक परिणाम ऐसा आएगा कि जो गाय जिसका वंश चला रहा था 22 लीटर से, वो आते 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 ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 लीटर के ऊपर आके रुक जाए। तो इस विषय को ध्यान में रख के और जब इसके ऊपर हमने सोचा कि भाई समाज के अंदर जो हमारी नस्ल ख़त्म होने का मुख्य कारण है, सबसे बड़ा ये है कि एजुकेशन की कमी। इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया गया, बहुत अनुसंधान किया गया कि किस प्रकार से इसको बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से नस्ल में सुधार किया जाए। तो उसके अंदर विभिन्न चिकित्सक जो हैं उनसे भी सलाह ली गई, उनसे भी ये जानकारी निकल के सामने आई कि जो अच्छा नंदी है, जो श्रेष्ठ नंदी है, जिसकी माता ने पिता ने 18, 20, 22 लीटर तक दूध दिया है, उसी का जो वीर्य है उसको उस गर्भाधान में दूसरी गाय के अगर आप इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका जो परिणाम सामने आएगा वो एक अच्छी दूध देने वाली गाय के रूप में सामने आएगा। गाय की दिनचर्या जो है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है, जैसे कि आप ये पीछे की जगह देख रहे हैं, इसके अंदर गाय खुली रहती हैं। हम मुख्य रूप से इस भाव के साथ चलते हैं कि गाय जो है एक स्वच्छंद विचरने वाला प्राणी है। अगर आप उसको बांध के रखेंगे उसके अंदर भाव बहुत अधिक है, जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर भाव है इसी प्रकार से गाय के अंदर। आप उसको एक स्थान के ऊपर जब बांध के रखेंगे और वो अप्रसन्न रहेगी तो उसका प्रभाव उसके दूध के अंदर भी परिलक्षित होगा, वो अवश्य ही दूध के अंदर भी आएगा। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहाँ पे गाय प्रसन्न रहती है, खुश रहती है, खुली रहती है, खुली विचरती है, तो वही चीज़ उसके दूध के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। गाय का जो भोजन का समय होता है, जो इसके चारे का समय होता है, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। जिस समय पे दूनेगा गाय का जो मुख्य दूनेगा समय है सुबह के समय, वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक है। सूर्योदय से पूर्व ही अगर गाय को दूह लिया जाए तो सबसे अच्छा रहता है। तो उसी समय पे जब दूनेगा समय होता है तो गाय को वहाँ पे ले जाके रखा जाता है। वही उसके बंधने का समय होता है, जो अंदर चारा खाने का समय, उस समय उसको बांधा जाता है और दूध दुहा जाता है। उसके पश्चात गाय को पुनः दोबारा से ये खुली हुई जगह में लाके छोड़ दिया जाता है, और जो जो स्थान है उसके बंधने का, उस जगह की साफ सफाई पानी के द्वारा उसको कीटाणु मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। आज ये समय में आप देखेंगे कि हर जगह पर पक्का कंक्रीट की जगह आपको देखने को मिलेगी, कच्चा स्थान बहुत कम होता है। तो उस चीज़ का भी एक छोटा सा हल निकाला गया है कि आजकल गद्दे आते हैं रबड़ के, तो उस स्थान के ऊपर पक्के फर्श के ऊपर उन गद्दों को बिछा दिया जाता है, जिससे कि उसके खुर जो हैं वो फिसले नहीं। गाय हमेशा कच्ची जगह के ऊपर रहना पसंद करती है, और रेतीली भूमि जो है उसको विशेष रूप से प्रसन्न करती है और उसी के अंदर वो रहना पसंद करती है। इसके अंदर मैं एक विशेष रूप से एक चीज़ और आप लोगों से के सामने रखना चाहूँगा, वो ये है कि गाय के अंदर आप देखेंगे जो किसान वर्ग है वो क्या करता है, विभिन्न प्रदेशों के अंदर आप जाएंगे कि जो गाय को बांध देते हैं, गाय को बांधने के बाद उसको सुबह और शाम या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार उसको पानी के लिए लेके जाया जाता है, उसको पानी पिला दिया जाता है और वापस उस स्थान पर बांध दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही गलत परंपरा है। गाय के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए, जब भी उसका मन करे, जब भी उसका दिल करे, जब भी उसको प्यास लगे तो पीने का पानी उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। इसका सीधा प्रभाव उसकी दूध देने की क्षमता के ऊपर भी पड़ता है। आज के समय में जितने भी हमारे युवा मित्र हैं, सबसे ज़्यादा जो उनका आज अवसर है वो गौ सेवा के अंदर है, गोपालन के अंदर है, और गोपालन भी कौन सा, देसी गाय का गोपालन। देसी गाय के गोपालन के अंदर बहुत ही अधिक अवसर हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि आज संचार माध्यमों के माध्यम से जो समाज है, जो भारतवर्ष है, जो हमारा देश है, उसके अंदर गाय की, देसी गाय की जो विशेषताएं हैं उनका इतना प्रचार और प्रसार हो चुका है कि अगर व्यक्ति को या समाज में रहने वाले हमारे परिवार है, हमारे मित्र बंधु हैं, अगर उन्हें शुद्ध दूध
और शुद्ध गाय के दूध से बने हुए उत्पाद अगर उनको मिले तो किसी भी कीमत पे खरीदने को तैयार हैं। तो ये रिपोर्ट देखिए आपने देसी गौ पालन से जुड़ी हुई, और इसी के साथ ही वक्त हुआ है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। पशुपालक कैलेंडर जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में ताप घात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लंगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गलघोटू, थप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणु नाशक घोल से भिगोएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। आशा करते हैं कि इस मौसम के अनुसार कैसे आपको अपने पशुओं की देखरेख करनी है इससे संबंधित जरूर महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हासिल की होंगी। इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और समय हो गया है कामयाब किसान की दास्तां का। कामयाब किसान की दास्तां में हर बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से, जिन्होंने छोटी शुरुआत की होती है लेकिन उससे बड़ा रूप देने में कामयाब होते हैं और कुछ हटकर कुछ नया करते हैं। और आज हम ऐसे ही किसान से मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है नरेश डबास, और इन्होंने बहुत ही छोटे से किचन गार्डन से शुरुआत की, कैसे इसे बड़ा रूप दिया और अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कामयाब किसान की दास्तां। किसान पृष्ठभूमि से हैं तो इसीलिए खेतों में काम करने का पूरा टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने अपने घर के पास में ये थोड़ी सी जगह थी हमारे पास, इसका यूटिलाइज़ किया। इसमें तरह तरह की सब्जियां, बुज़ुर्ग आदमियों की जानकारी से मैंने इसकी जानकारी ली और उसको उसी तरीके से बताया, वैसे ही स्टार्ट किया। कई सालों से प्योर ऑर्गेनिक सब्जी का मैंने अपना ये प्लांट चालू किया। पहले मैंने यहाँ एक अच्छी मिट्टी डलवाई और इसमें जो है गोबर का खाद ही यूज़ किया बस स्टार्टिंग में। फिर मैंने यहाँ बीमारियों से बचने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस पे ऊपर ये नेट का प्रयोग किया। एक कोशिश करके देखी है मैंने और उसका मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि हम कभी अब खुद बाज़ार से कोई सब्ज़ी नहीं खरीदते, 99% सब्ज़ी हम अपनी खुद की उगाते हैं और जो बच जाती है पड़ोसियों को भी खिलाते हैं। और मुझे देख के कई और भी युवाओं में ये आया कि उन्होंने भी अपने घर के आसपास इसका सब्ज़ी का अपना खुद का ही ऐसे ही उगाई और उससे अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ये सीज़न होता है आलू का होता है, पहले तो नवंबर दिसंबर में जाके आलू का हम करते हैं तो आलू जैसे हो जाते हैं, हम एक साइड में आलू लगाते हैं उसका 7-8 महीने हमें आलू चलता है हमारे, वो निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद में फिर ये भिंडी हो जाती हैं, गवार की फलियां हैं, टिंडसी हैं और ये हमारा लोबिया है। पालक तो
हमेशा ही चलता रहता है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हमेशा ही चलती रहती हैं, पालक है, टमाटर है, और जी शिमला मिर्च हैं, और ये धनिया है, घिया है, तोरी हैं, बैंगन हैं, मेरे पास ये सारी तरह की प्याज हैं। ऑलमोस्ट सब्जियां जो भी हैं हम उस पर मेहनत करते हैं, और अगर कहीं कोई डिस्टर्बेंस होता है तो कई बार बुज़ुर्गों से, किसानों से मिलते हैं, पूछते हैं उसके बारे में, और आप जैसे ये चैनल्स हैं इनसे सुविधाएं लेते हैं, इनसे हमें पता चलता है, डॉक्टरों के बारे में पता चलता है, उनसे हम नंबर ले लेते हैं, उनसे फ़ोन करते हैं, पता करते हैं। धीरे धीरे मुझे ये करते हुए कई साल हो गए हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस भी हुआ, जैसे कि कभी कोई बीमारियाँ भी लग जाती हैं इसमें, तो उसके लिए मैंने कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, कोई स्प्रे यूज़ नहीं किया, खुद से ही तैयार किया, डॉक्टरों से पूछ के, जैसे गौमूत्र लेना, और उसमें अपना गंगा जल भी मिला लेते हैं, और गूगल होती है एक हमारी, उसकी धूमनी देते हैं, एंजाइम तैयार किया है, ये 8-10 तरह की दालें लेते हैं, कुछ ऑयली होती हैं, कुछ बगैर ऑयल की होती हैं, जिसमें से ऑयल नहीं निकलता, जैसे सरसों वगैरह है इनमें ऑयल निकलता है, इनको लेके इसमें 20 लीटर पानी में डाल के इसको तैयार करते हैं, आधा किलो गुड़ डालते हैं, गौमूत्र डालते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर एक जरे हुए लोहे की जंग लगे हुए लोहे की एक राड डालते हैं, एक तांबे का तार डालते हैं, और उसको 20-25 दिन के लिए धूप में रख लेते हैं, और हर रोज़ जलाते हैं, उसका स्प्रे करते हैं, एक तो पेड़ पौधों पे उसका स्प्रे होता है, और उससे ज़मीन में जैसे उसको पानी में थोड़ा थोड़ा करके जब हम इसमें पानी लगाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें डालते रहते हैं, तो उससे ज़मीन के अंदर से ये जो जिसको रे बोलते हैं, नूनी बोलते हैं, ये भी बहुत सारी कम हो जाती है उससे। यहाँ पे जो पक्षियों का बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम थी गांव में हमारे इधर, तो यहाँ मोर है एक पक्षी अपना, जैसे उससे बड़ी परेशानी करता है, गोभी जैसे लेते हैं हम गोभी की फसल, उसमें मोर एक दिन भी नहीं होने देगा, मिर्चें नहीं होने देगा, धनिया नहीं होने देगा, कुछ फसल ऐसी हैं ऑलमोस्ट, तो उसके लिए मैंने फिर ये नेट का इंतज़ाम किया, चारों तरफ से इस पर फिर नेट लगाया कि बाजू आजू में से भी ना घुसे, तो इसकी सुरक्षा के लिए ये नेट है। फिर इससे टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, जैसे सर्दी में पाला पड़ता है तो मटर है जैसे पाले से ख़राब हो जाती है मटर की, तो वो ख़राब नहीं होती, इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट जो है सनलाइट नहीं आती इस पर, जैसे धनिया है आप इस सीज़न में बहुत महंगा मिलता है बाज़ार में, एक एक पेड़ का 5-10 रुपए का ले लेते हैं, और हमारे यहाँ जो ये है ये इसके सनलाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, और जो है ये अच्छे से होता है हमारे यहाँ बहुत बढ़िया। युवाओं के लिए हर किसी के पास आज के टाइम में बहुत तेज़ ज़िंदगी चली हुई है हमारी, बहुत फास्ट लाइफ है, इसमें किसी के पास टाइम नहीं है, ना एक्सरसाइज के लिए टाइम है, ना किसी और काम के लिए टाइम है, बस भागम भाग लगा हुआ है, तो इसलिए हर एक युवा को ये देखना चाहिए जहाँ भी थोड़ी जगह का भी यूटिलाइज़ करें, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, एक्सरसाइज भी होंगी, और आपके परिवार को एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, इससे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, दिमाग ठीक रहेगा, अच्छी चीज़ें खाओगे तो ठीक रहेगा सब कुछ। ये थी कामयाब किसान की दास्तां, आशा करते हैं कि आप भी इसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। इसी के साथ ही आज के हमारे गांव किसान में फिलहाल इतना ही, नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, नमस्कार।